वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का आगे का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। ब्राह्मण का नाम जयदेव और ब्राह्मणी का नाम जया था। दोनों बहुत ही आस्था वाले और सदृश थे। वे अतिथि को भोजन कराने के बाद ही भोजन करते थे। अपने दरवाजे से किसी को भी भूखा जाने नहीं देते थे, इसलिए सभी बातों से वह सुखी थे। लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई औलाद नहीं थी। उनकी शादी को कई बरस हो चुके थे। वे इस कारण बहुत दुखी रहते थे। एक बार नारद जी घूमते घूमते उस ब्राह्मण दंपति के घर पहुंच गए। ब्राह्मण दंपति ने नारद भगवान का आदर सत्कार किया। नारद जी उनके आतिथ्य से प्रसन्न हुए और पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आप अपना हाल चाल बताइए। तब उस ब्राह्मण दंपति ने कहा कि हे देव ऋषि, आपकी कृपा से हम बहुत सुखी हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक बालक की कमी है। यही हमारा सबसे बड़ा दुख है। इसलिए हे देवऋषि, आप हमें इसका कोई उपाय बताइए, ताकि हमें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तब नारद भगवान बोले कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हारा दुख मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। मनुष्य के पास अपार संपत्ति हो और उसको खर्च करने वाला कोई न हो, यह एक सबसे बड़ा दुख है। लेकिन हे ब्राह्मण देव, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे कि तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। तुम दोनों पति पत्नी यहाँ से दक्षिण दिशा में चले जाना। वहाँ एक घनघोर जंगल है। वहाँ एक अपूज्य शिवलिंग दिखाई देगा। उस शिवलिंग की आज तक किसी ने पूजा नहीं करी, लेकिन तुम दोनों वहां जाकर उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक पूजा करना। भगवान शंकर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ऐसा कहकर नारद मुनि वापस अपने लोक में चले गए। दूसरे दिन सुबह जल्दी दोनों ब्राह्मण दंपति उठे और नारद जी के बताए अनुसार दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। चलते चलते शाम हो गई और वे एक घनघोर जंगल में पहुंच गए। वहां देखा कि एक उजाड़ शिव मंदिर था। शिव मंदिर को देखकर दोनों ब्राह्मण दंपति बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वहां रहने तथा शिव जी की पूजा करने का निश्चय कर लिया। दोनों ब्राह्मण दंपति ने उस उजाड़ मंदिर की साफ सफाई करी। पूरे भक्ति भाव और निस्वार्थ भाव से शिवलिंग का पूजन करने लगे। बहुत वर्षों तक उन्होंने भगवान शंकर का पूजन किया, लेकिन भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए, जिससे उनको और भी चिंता सताने लगी। दोनों विचार करने लगे कि क्या हमारी सेवा पूजा में कोई कमी रह गई है, क्या भगवान हमारी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। फिर वे दोनों श्रद्धा पूर्वक फिर से शिवजी की पूजा में लीन हो गए। एक दिन वह ब्राह्मण घने जंगल में फूल बीनने के लिए चला गया तो वह वापस नहीं लौटा। इससे ब्राह्मणी को बहुत चिंता हुई। वह घबराई और पति को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जंगल में एक झाड़ के नीचे देखा तो उसका पति मरा हुआ पड़ा था, जो सर्प के काटने से मरा था। पति की यह हालत देखकर वह जोर जोर से रुदन करने लगी। तभी वहां आकाश मार्ग से माता पार्वती विचरण करती हुई वहां पहुंच गई। उन्होंने ब्राह्मणी से रोने का कारण पूछा।
तब ब्राह्मणी ने अपने पति को सर्प के काटने वाला वृतांत कह सुनाया। माता पार्वती ने ब्राह्मणी को सांत्वना देते हुए कहा कि मैं अभी तेरे पति को जीवित कर देती हूँ। यह कहते ही पार्वती जी ने ब्राह्मण के मृत शरीर पर अमृत का छींटा दिया, जिससे वह ब्राह्मण अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ा हो गया और साक्षात माता पार्वती को सामने देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। माता पार्वती जी ने उन दोनों ब्राह्मण दंपति से पूछा कि तुम दोनों यहाँ घनघोर जंगल में क्या कर रहे थे। तब दोनों ब्राह्मण दंपति ने नारद जी वाली पूरी बात बताई और कहा कि हम यहाँ निर्जन वन में भगवान महादेव जी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं और वहीं रहते हैं, और एक पुत्र की कामना वाली बात भी बताई। माता पार्वती उनकी बात सुनने के बाद बोली कि हे ब्राह्मण देव, अब तुम दोनों पति पत्नी जया पार्वती का व्रत करो, जिससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। तब ब्राह्मण दंपति बोले कि हे माता पार्वती, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है यह हमको मालूम नहीं है, कृपा करके आप हमें इस व्रत की विधि बताइए। माता पार्वती ने कहा कि यह व्रत आषाढ़ की उजली रात से धारण करके अंधेरी तीज को पूरा करना चाहिए। व्रत के समय गुड़ और नमक नहीं खाना चाहिए। एक समय भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अंतिम दिन जागरण करके शिव और पार्वती के भजन कीर्तन और स्तुति करें। इस तरह व्रत करने से निसंतान स्त्री को संतान सुख की प्राप्ति होती है और स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। ऐसा कहकर माता पार्वती ब्राह्मण दंपति को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण दंपति वापस अपने घर आए और जया पार्वती का व्रत धारण किया। इसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे दोनों ब्राह्मण दंपति बहुत प्रसन्न हुए और शेष जीवन उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा में बिता दिया। और उस ब्राह्मण दंपति ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी जया पार्वती का व्रत करें, जिससे कि निसंतान व्यक्ति को भी संतान का सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार आज मैंने आपको श्री शिव महापुराण का एक महात्म्य सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।